We simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful. Warren Buffett. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है. आज 5th of December 2022. मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द वीक इज आरबीआई पॉलिसी 7th of December, followed by Gujarat state elections. Although Gujarat and Himachal elections are there, but main importance will be on the Gujarat election outcome on 8th of December. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13th December का US CPI and 15th December का FOMC rate decisions, BOE rate decisions and ECB rate decisions. Dollar index अभी है 104.44. काफी सॉफ्टनेस वीकनेस दिख रहा है ऑन डॉलर इंडेक्स. अभी जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है आपका 102.20 से 103.50 के बीच में एक मेजर सपोर्ट लेवल है. एनी अपटिक में डॉलर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो अगर आज या आने वाले दिनों में हमको 105.30 से 105.50 के तरफ कुछ मिलता है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं इन अदर करेंसीज. डॉलर रुपी फ्राइडे के क्लोजिंग के टाइम पे इट वाज अराउंड 81.25, बट आफ्टर द एनएफपी डेटा डॉलर रुपी ऊपर चला गया था. इन यूएस मार्केट इट ट्रेडेड हाई ऑफ 81.50 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 81.41. व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे एक ही चीज जो हमें देखने वाला है कि RSI 14 जो है वो आपका 40 पे रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है. सो हमें थोड़ा सा शॉर्ट के लिए अभी जो व्यू बन रहा था हल्का कर देना चाहिए हमें उसमें से शॉर्ट व्यू से. एंड जैसे ही आपका RSI का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर जाता है समथिंग लाइक दिस, इसके RSI का जो एक ट्रेंड लाइन हमने खींचा है उसके हाई के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देगा तो एक लॉन्ग पोजीशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर रुपए पे. ये जो बिल्डअप है ये किसके लिए हो रहा है, वेदर इट इज फॉर आरबीआई पॉलिसी आउटकम और 8th December गुजरात इलेक्शन आउटकम, वो टाइम पर ही हमें पता चलेगा. अभी है GBP डॉलर 1.23, अच्छा खासा बुलिशनेस है. लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे करंट लेवल पे आपका 1.23 से 1.24 के बीच में थोड़ा सा केयरफुली लॉन्ग बिल्डअप करना चाहिए क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है. बेटर हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग अगर बिल्डअप करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस करना चाहिए. बट हमें अगर कोई डिप मिलता है तो हमें अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है. GBPINR में भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ऊपर की तरफ. अभी एक रिट्रेसमेंट अगर देगा समथिंग लाइक दिस, आपका जो 30th नवंबर को दिया था लास्ट वीक में, उस टाइप का एक पुल बैक देता है उसके बाद हमें बाइंग करना अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. यूरो डॉलर भी अच्छा खासा ऊपर में है, अभी है 1.0548. इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो रहा है 1.06 से 1.0625 के बीच में, तो थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए हमें. रेदर पुल बैक में हमें लॉन्ग बिल्डअप करना चाहिए. यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली आपका इट इज अप्रोचिंग द मेजर रेजिस्टेंस लेवल विच इज एट 86 से 86.50 के बीच में. सो रेदर एक पुल बैक में हमें यहाँ पे समथिंग लाइक दिस पुल बैक में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए. डॉलर येन 134.41, अच्छा खासा स्ट्रेंथ इन येन दिख रहे हैं. अभी जो इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है आपका 131.25 से 131.50 के आसपास. येन आईएनएन में भी सिमिलरली हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो 0.61 से 0.6125 के बीच में होने वाला है. डॉलर कैंडी ये थोड़ा सा टिपिकल है डॉलर कैंडी का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप देखोगे डॉलर इंडेक्स
वीकनेस है, जीबीपी डॉलर काफी स्ट्रेंथ है, यूरो डॉलर काफी स्ट्रेंथ है, डॉलर येन भी काफी, डॉलर इन टर्म्स ऑफ द येन इज काफी वीक है, लेकिन कैंडी में बंदा ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक टिपिकलिटी है, आप बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, एंड आपका लोअर मीन्स ये जो छोटा वाला आप देखोगे छोटे वाले पे आपका हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हमें क्रिएट कर रहा है, हमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इस करेंसी पेयर में। लेकिन हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है नीचे की तरफ, अभी जो ये एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया है इसके तोड़ देता है, तो ये 1.32-1.3250 के बीच में तक जाना चाहिए, एंड उसके लो के नीचे नेक्स्ट टारगेट 1.3125 एंड 1.30 की तरफ जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ जो प्राइस है, एक बिगर लोअर हाई लो है एंड स्मॉलर हायर हाई लो है, सो मार्केट थोड़ा सा इंडिसिसिव मूड में है एज फार एज द डॉलर कैंडी इज कंसर्न। ऑसी डॉलर में कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढ के इसमें लॉन्ग खेल सकते हैं। डॉलर सीएनएच बिलो 7, वाओ, इट्स वेरी गुड एज फार एज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इज कंसर्न, क्योंकि चाइना अगर बंद हो जाता है ड्यू टू कोविड रिलेटेड शटडाउन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में भी आता है ग्लोबली एंड ऑल्सो ऑयल प्राइसेस में भी आता है। अभी ये स्ट्रांग हो रहा है चाइनीज यूआन, व्हाट इट मींस यूके ऑयल स्ट्रांग हो रहा है। आप देखो ये ऑयल फिर दोबारा 88.50-60 के तरफ दोबारा टेस्ट करने का प्रयास कर सकता है। तो चाइनीज यूआन में अभी हमारा एक नई नीचे की तरफ एक रूम है, जो वो है आपका 6.91 के तरफ। सो यूके ऑयल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, आप देखोगे जैसे जैसे आपका 28 तारीख को सबसे ज्यादा बियरिज बनाया हुआ था, 29 तारीख ऑनवर्ड्स आप चाइनीज यूआन देखोगे, चाइनीज यूआन सॉरी, आप अगर देखोगे यहाँ पे अब स्ट्रेंथ आ रहा है अगेंस्ट द डॉलर्स, एंड इसका मतलब क्या है, वहां पे जो आपका कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस का न्यूज आ रहा था यानी वो सबसाइड हो रहा है, दैट बीइंग द केस आपका जो ऑयल के ऊपर डिमांड आ रहा है एंड ऑयल प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज समवॉट द कोरिलेशन बिटवीन चाइना चाइनीज कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस और इम्पोजिशन ऑफ और लिफ्टिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड द डिमांड फॉर द ग्लोबल मूवमेंट। इसके लिए थोड़ा सा हमने 29 तारीख ऑनवर्ड्स में क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा डिमांड हम देखे हैं। यूएस ट्रेजरी में अच्छा खासा वीकनेस है, अभी आपका सेल ऑप्टिक्स यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका डॉलर रुपी करेंसी फ्यूचर दिसंबर एक्सपायरी का है, दिसंबर एक्सपायरी अभी है 81.43 लेवल्स पे, ये आपका 1 घंटे का चार्ट है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में जो है आपका 10 मिनट का चार्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, एंड इस लेवल पे आने के बाद हमें दैट इज 81.64 के आसपास अगर आता है प्राइस, वहाँ पे हम कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगा, यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग आएगा। ड्यूरिंग द डे कुछ अगर हमें दिखता है तो हम आपके सामने वो ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज के बारे में फिर फ्रेश वीडियोस लेके आएंगे। ये आपका यूरो आईएनआर दिसंबर एक्सपायरी है, यहाँ पे 85.80 में फ्राइडे को क्लोज दिया था। यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप है इसमें आप प्राइसिंग देखोगे नॉन स्टॉप बुलिश मूव, यहाँ से ये अप मूव गया है, दैट बीइंग द केस हमें थोड़ा सा डीप में बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे पुल बैक आएगा उसके बाद कुछ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज आता है तो आपके सामने ये लेके आऊंगा। ये आपका जीबीपी आईएनआर लेफ्ट हैंड साइड आवरली राइट हैंड साइड 10 मिनट का टाइम फ्रेम का है, यहाँ पर भी आप देखोगे एक अप मूव दिया हुआ है, दैट बीइंग द केस व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में क्या है, हमें पुल बैक के लिए इंतजार है, पुल बैक के बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पे देख सकते हैं बाई डीप स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजी। ड्यूरिंग द डे करेंसी फीचर्स में कुछ आता है तो आई विल गेट बैक। का ये है आपका जेपीवाई आईएनआर, यहाँ पर भी आप देखोगे एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी हमें थोड़ा
थोड़ा सा पुल बैक के लिए इंतजार करना है, पुल बैक के बाद हमें लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। आने वाले दिनों में करेंसीज एक्सक्लूसिव कुछ इस करेंसी फ्यूचर रिलेटेड एक्सक्लूसिव कुछ वीडियोस में बनाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा इंसाइट्स मिल सके। सो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।